शोहर वो कौन सी तीन गलतियां करता है कि जिसकी वजह से एक शादीशुदा औरत गैर मर्दों की तरफ मायल हो जाती है। इस वीडियो में आपको मर्द की उन तीन ऐसी गलतियों के बारे में बताया जाएगा जिनकी वजह से शादीशुदा औरत में गैर मर्द से ताल्लुक बनाने की ख्वाहिश पैदा होने लगती है। अगर आप भी उन गलतियों के बारे में जानना चाहते हैं जो एक शोहर करता है तो हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये वीडियोस एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जाती हैं, तो बराए मेहरबानी इनसे कोई गलत मतलब ना लिया जाए। नंबर वन, बीवी की ख्वाहिशात को पूरा ना कर पाना। वो मर्द जो अपनी बीवी की छोटी छोटी ख्वाहिशात को यकसर नज़रअंदाज करते हुए अपनी बीवी की ज़ात की नफ़ी करता है और उसकी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने में भी उकताहट दिखाता है, और ख़ास तौर पर हम बिस्तरी के दौरान अपनी बीवी की ख्वाहिश को पूरा किए बगैर अपनी जिंसी तस्कीन को तरजीह देता है और अपनी बीवी की ख्वाहिश को अधूरा छोड़ देता है, तो इस सूरत में औरत उस मर्द से बेजार और उकताहट का शिकार होकर गैर मर्दों की तरफ मायल हो जाती है ताकि वो अपनी अधूरी ख्वाहिशात को पूरा कर सके। नंबर टू, बीवी की बेकदरी और बेइज्जती करना। वो शख्स जो बात बात पर अपनी बीवी को घर वालों के सामने बेइज्जत करता है, उसको जलील करना अपना हक समझता है, उसको गालियां देता है और हाथ उठाने से भी गुरेज नहीं करता, उसे हितक अमेज लफ्जों से नवाजता है और उसे ये जताता है कि उसे उसका हर हुक्म मानना पड़ेगा, तो फिर बीवी ऐसे शोहर के साथ नहीं रह सकती और अपने जहनी सुकून के लिए दूसरे मर्दों से ताल्लुक बनाने लगती है। नंबर थ्री, बीवी को कम अकल समझना। वो मर्द जो खुद को बहुत समझदार और अपनी बीवी को कम अकल समझता है और हर बात पर उससे जिद लगाने लगता है, अगर बीवी किसी बात में सही भी हो तो उसकी उस बात से भी इख्तलाफ और एतराज करता है, उसकी हर बात उसे गलत और अपनी हर बात उसे दुरुस्त ही लगती हो तो कोई भी औरत ऐसे मर्द के साथ खुश नहीं रह सकती, और फिर नतीजा ये निकलता है कि वो अपनी इस खुशी को गैर मर्दों में तलाश करने लगती है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें और अपने प्यार के इजहार में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।